दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पर चाहिए सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर। हालांकि एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिंपल वन की शुरुआत हुई थी 2021 में 15 अगस्त को, और उस टाइम उन्होंने अपनी बुकिंग ली थी, लेकिन प्रोडक्ट उस समय तैयार नहीं था, फैक्ट्री तैयार नहीं थी। लेकिन 2025 में सिंपल वन ने बहुत बड़ा बाउंस बैक कर रही है। सबसे पहले तो प्रोडक्ट भी उन्होंने तैयार कर लिया है, प्रोडक्ट का नाम है सिंपल वन जेन 1.5। अगली इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंपल वन का अभी तक जो पेनिट्रेशन था मार्केट बहुत ही लिमिटेड था, तकरीबन 2500 स्कूटर्स उन्होंने निकाले थे। लेकिन अब उनका प्लान है कि 2025 के एंड तक ये पूरे इंडिया में एक्सपेंड करें और 400 स्टोर्स तक लेकर आए। अभी तक क्या दिक्कत थी, सिंपल वन का स्कूटर तैयार नहीं था, वो तैयार हो गया है। एक अच्छी चीज ये थी कि इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, वो भी तैयार हो रही है। और हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर में अक्सर लोग डिमांड करते हैं सर्विस की, तो हाँ इन लोग का पूरा फोकस है कि इस बार सर्विस पर भी ध्यान दिया जाए। क्या है पूरी कहानी, सब कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइनली राइड किया सिंपल वन के जेन 1.5 इलेक्ट्रिक स्कूटर को, और यहाँ पर क्लेम है कि 248 किलोमीटर की IDC रेंज लेता है। क्या वाकई में IDC रेंज लेता है, पीछे की सच्चाई क्या, सारी चीजें इसमें आपको पता चलने वाली है। और स्कूटर आखिर किन लोगों के लिए, और ओला एथर जैसे ब्रांड जब मार्केट में है तो क्या सिंपल वन यहाँ पे अपनी जगह बना सकता है? मेरे को लगता है कि कई सारे लोग इस बात का जवाब भी ढूंढ रहे होंगे, सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट सवाल के, 248 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे निकाली जा सकती है कि नहीं। अब देखो ये रेंज यहाँ पे कैसे निकाली जा रही है, इसके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो ये डबल बैटरी पैक को यूज कर रहे, यानी कि एक बैटरी पैक जो 3.7 किलोवाट आवर के साथ है वो स्कूटर के अंदर फिक्स्ड है, और एक रिमूवेबल बैटरी पैक है जो 1.3 किलोवाट आवर के साथ आता है। और जो रिमूवेबल बैटरी पैक है उसका वेट यहाँ पे तकरीबन 10 किलो के करीबन हो जाता है। ऊपर कनेक्टर है, ये बूट स्पेस में जाते से कनेक्टर कनेक्ट हो जाते हैं, और टोटल आपको 5 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है। और जो 5 किलोवाट बैटरी है यहाँ पे 248 किलोमीटर की जो रेंज है ये IDC रेंज है। और मैं अक्सर बोलता हूँ IDC रेंज जितनी भी कंपनी बताती है ना, उसका 25% आपको कम कर लो और वो आपको रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी। और रियल वर्ल्ड रेंज यहाँ पर आपको कितनी देखने को मिल रही है, इको मोड के अंदर देखने को मिलेगी 190 किलोमीटर की रेंज। यस, 190 किलोमीटर की रेंज है इको मोड के अंदर। लेकिन एक बार बता देना चाहूंगा, इको मोड में आपकी जो स्पीड है वो 40-50 के अराउंड रहेगी, और 40-50 की स्पीड पे इतनी रेंज 5 किलोवाट आवर बैटरी के साथ एक तरह से एक्सेप्टेबल है। और हम 5 किलोवाट आवर की रेंज पे डिलीवर होने वाला ये पहला स्कूटर यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अभी तक मार्केट में जितने भी स्कूटर है, इंक्लूडिंग एथर बात करें, ओला बात करें, इन सब की बैटरी 4 किलोवाट आवर या उससे कम ही देखने को मिलती है, तो ये एक एडवांटेज है। इसके साथ ही सिंपल का एक और अफोर्डेबल मॉडल है सिंपल .1, जिसके अंदर आपको रिमूवेबल बैटरी नहीं मिलती, वो 3.7 किलोवाट आवर बैटरी के साथ आता है। और जो सिंपल वन मैंने चलाया है वो इनकी जनरेशन 1.5 है, जिसके अंदर बेटर रेंज प्लस कुछ बेटर स्मार्ट फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सिंपल वन के अंदर देखा जाए तो लोग अक्सर पूछते हैं कि इसके स्टोर्स कब ओपन होंगे, तो स्टोर्स अब धीरे धीरे ओपन होने वाले, 400 स्टोर। और एक अच्छी बात, ये लोग कर रहे हैं फोकस ऑलरेडी सर्विस पे, क्योंकि अक्सर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर सर्विस कई बार एक बहुत बड़ा इशू बन के आ जाता है सामने से। लेकिन इनका प्लान है कि जितने भी 400 शोरूम ओपन करेंगे सबके अंदर एक सर्विस सेंटर होगा जो कंपनी ऑपरेटेड रहेगा, और सर्विस सेंटर के अंदर यहाँ पर एक टीम मेंबर जो रहेगा वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा इनके हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ पे R&D टीम से इनकी कनेक्टिविटी होगी, जिसके कारण से कोई भी अगर सीरियस इशू आया तो R&D से एक बंदा यहाँ पे आपके स्कूटर की मदद करके उसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर सकता है। और देखा जाए तो ओवरऑल जो राइडिंग एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रफ एंड टफ देखने को मिला था। इसके साथ ही कुछ बातें आपको स्कूटर के बारे में बता देना चाहूंगा जो अक्सर लोगों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले तो क्या जो रिमूवेबल बैटरी है, क्या इसको हम घर से अलग ले जाके चार्ज कर सकते हैं? ऐसा अभी भी इसमें नहीं कर सकते। अगर आपको रिमूवेबल बैटरी चार्ज करनी है तो आपको स्कूटर के अंदर ही रखना पड़ेगा, स्कूटर को चार्जर पे लगाना पड़ेगा, और स्कूटर के अंदर आपको तकरीबन 750 वाट का चार्जर मिलता है, तो उसे 6-7 घंटे का ऑलमोस्ट टाइम लग जाएगा आपको फुल चार्ज करने में। इसके साथ ही ये लोग सॉल्यूशन एक डेवलप कर रहे हैं, पर वो अभी नहीं है, जिसके अंदर आप बैटरी को लेंगे, अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाइए, अपने फ्लैट में जाइए, वहां जाके अलग से चार्ज कीजिए, अपने घर में अलग से चार्ज कीजिए। इस टाइप का सिस्टम अभी नहीं है, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस है ये चीज। इसके साथ अगली चीज कि यहाँ पे अगर आप स्कूटर चलाएंगे तो पहले क्या आपकी रिमूवेबल बैटरी खत्म होगी या फिर आपकी जो फिक्स बैटरी है वो खत्म होगी? इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोनों के अंदर बैलेंस किया जा रहा है कि दोनों जगह से एनर्जी को कॉन्स्टेंटली लिया जाएगा, और टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाएगा कि कहाँ टेम्परेचर कम है कहाँ ज्यादा है, उस हिसाब से उस बैटरी में से एनर्जी ली जाएगी, ताकि आपको उस परफॉर्मेंस और रेंज दोनों का बैलेंस देखने को मिल सके। और सिंपल वन ने यहाँ पे फोकस किया कि हम रेंज के अंदर बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। चलिए तो ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। इसके साथ ही अब इसके बारे में बात करते हैं कि राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा था। अगर मैं बात करूं तो इसकी हैंडलिंग मेरे को एथर से ज्यादा बेटर लगी। इसके अंदर अगर पिकअप या फिर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसके अंदर 4 मोड है, इको मोड, राइड मोड, डैश मोड और सोनिक मोड। सोनिक मोड के अंदर 105 किलोमीटर
किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर सकता है। यस इट इज अचीवेबल और इस पे कोई भी कैप नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या 15 मिनट यूज करने के बाद हीटअप हो गई, मोटर गर्म हो गई, बैटरी गर्म हो गई, वहां पे तेजी से यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ऑलमोस्ट 60% बैटरी तक आप सोनिक मोड को यूज कर सकते हैं, लेकिन 60% बैटरी के बाद आप सीरियस के राइड मोड में आ जाएंगे। और हाँ, 40% बैटरी पर जाते ही ये ऑटोमेटिकली इको मोड में आ जाता है, जो मेरे को थोड़ा सा एग्रेसिव लगता है कि 40% तक आते ही आप यहाँ पे इको मोड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैटरी यहाँ पे ज्यादा फोकस है और स्कूटर को जब भी आप स्टार्ट करेंगे वो इको मोड में आएगा। लेकिन ये स्कूटर देखा तो मेरे को हाईवे ड्राइविंग से ज्यादा बेटर इको मोड के अंदर सिटी ड्राइविंग में लगा, क्योंकि 40-50 की स्पीड पे सिटी में आराम से चला सकते हो, कई बार कुछ जगह यूज करना है तो राइड मोड के अंदर यूज कर लेंगे, तो वो एक चीज है इसके साथ। इसके साथ ही बात करें तो डबल डिस्क ब्रेक के साथ एक कॉम्बी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम है, यानी कि आगे का ब्रेक दबाएंगे तो पीछे का भी लगेगा और ब्रेकिंग इसकी हल्की सी स्टिप लगी और फ्रंट ब्रेक थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। अगली चीज सस्पेंशन, इसका थोड़ा हार्डर साइड पर है तो वो एक लगता है और सीट थोड़ी सी और इंप्रूव की जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही पॉजिटिव भी है स्कूटर के साथ, 30 लीटर का बूट स्पेस, अगर बैटरी अगर मैं हटा दूं पीछे से टोटल 30 लीटर का स्पेस मिलता है, सामान भी रख सकते हैं और एक फुल फेस हेलमेट को भी यहाँ पे रखा जा सकता है, और अगर हाफ फेस हेलमेट और चार्जर है तो वो भी बूट स्पेस के अंदर यहाँ पे आ सकता है। इसके साथ ही अगली चीज है कि इसका जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा फंकी लगता है, थोड़ा सा ज्यादा शार्प एजेस के साथ आता है और बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर पर जाता है, जो मेरे को लगता है कि यंगस्टर्स को ज्यादा टारगेट करेगा बजाय कि फैमिली ऑडियंस को। फैमिली वाले लोग शायद इसके ऊपर इतना ज्यादा रिलाय ना करें, लेकिन जो यंगस्टर है, एंथुजियास्ट है, वो लोग इसके ऊपर जरूर से जाएंगे। हालांकि कुछ जगह शार्प एजेस यूज की गई है तो ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपके हाथ में थोड़ा बहुत लग ना जाए, तो ये एक चीज है। इसके साथ ही एक चीज मेरे को लगी कि यहाँ पे फीचर्स के नाम पे इन्होंने कई सारी चीज इंप्लीमेंट करी है, जैसे कि 7x TFT टच स्क्रीन है जहाँ पे आप रिवर्स या फिर पार्किंग असिस्ट यूज कर सकते हैं, आगे पीछे अपने स्कूटर को कर सकते हैं। इसके साथ ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन है जिसके अंदर ये लोग मैप माई इंडिया की सर्विस का यूज कर रहे हैं। हालांकि GPS लॉक होने में थोड़ा सा टाइम लेता तो वो एक इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। SMS और कॉल्स के अलर्ट मिलते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल फोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। म्यूजिक कंट्रोल आप कर सकते हैं, लेकिन ये म्यूजिक कंट्रोल स्कूटर में से स्पीकर नहीं है, आपको ईयरफोन लगाने पड़ेंगे, मोबाइल फोन को पेयर अप करना पड़ेगा, तब जाके सिस्टम यहाँ पे काम करेगा। और इसके साथ ही लोग TPMS जैसा एज एन एक्सेसरी यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको टायर प्रेशर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हालांकि स्कूटर मेरे को यहाँ पे काफी अच्छा लगा राइड करने में भी, और एक रिलायबल प्रोडक्ट लगा। और एक अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि यहाँ पे मेरे को कई जगहों पे एथर की यहाँ पे याद दिलाई और कुछ जगह एथर से थोड़ा सा बेटर भी लगा, खासतौर पे सोनिक मोड के अंदर मेरे को थोड़ा बेटर लगा। और एक चीज जो मेरे को बेटर लगी एथर से वो ये था कि एथर 450X के अंदर जो है वो लंबे लोगों के लिए नहीं है, वहां पे अपने जो पैर होते हैं वो हल्के से टकराते हैं मेरे जब मैं स्कूटर को यहाँ पे टर्न करता हूँ। लेकिन यहाँ पे यार ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूटर को टर्न करना भी आसान है और ये थोड़े लंबे लोगों के लिए भी, अगर आप 6 फीट तक भी जा रही है तभी आप इसे आसानी से चला पाएंगे, ये एथर से थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा लगता है, तो वो एक चीज मेरे को बेटर लगी। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज लगी कि हाँ स्कूटर को हमने हर जगह टेस्ट किया, इसको दो लोगों के साथ बैठा कर भी किया, अच्छे तरीके से चलता है, कोई सेंटर स्टैंड देखने को नहीं मिलता, यहाँ तक कि ऑफ रोडिंग भी इसके साथ ट्राई करी तो वो भी काफी हद तक इसके साथ पॉसिबल है। और एक चीज मैंने देखी कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बेटर किया जा सकता था, हालांकि हम ऑफ रोडिंग करते समय दिक्कत आई, लेकिन सिटी राइडिंग में या स्पीड ब्रेकर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक इंटरेस्टिंग चीज लगी कि यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग इनेबल होती है 75% बैटरी के साथ, लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग अभी इसकी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। और एक फीडबैक रह गए सिंपल वन की टीम को लेके कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग को और बेटर किया जाए, यानी कि अगर आप थ्रॉटल आगे कर रहे हैं तो आपके स्कूटर के अंदर रीजन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, जिसका बिल्कुल ब्रेक जैसा लगने जैसा फील है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा बैटरी आपको देखने को मिले, तो वो एक चीज जो ये लोग बेटर कर सकते थे। इसके साथ ही सिंपल वन ने काम किया यहाँ पे अपनी मोटर के अंदर, और मोटर के अंदर उन्होंने अपनी खुद की मोटर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और खुद का बैटरी पैक बना रहे हैं, जिसके कारण ये 8 ईयर्स की वारंटी दे रहे हैं। हालांकि 8 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी मिलाकर है और जो वारंटी वो बैटरी और मोटर दोनों पे, आमतौर पे इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरर है वो 8 ईयर्स की बैटरी पे वारंटी देते हैं, लेकिन ये मोटर पर भी वारंटी दे रहे हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट किया उन्होंने। इसके साथ ओवरऑल बात करें तो फीचर्स देखा तो आमतौर पे जितने भी आपको देखने को मिलते हैं वो है, देखो बात की जाए तो 5 kW बैटरी पे आप ऑलमोस्ट यहाँ पे 140 से 150 किलोमीटर चला सकते हैं, ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है यहाँ पे। इसके साथ ही यहाँ पे 8.5 kW की मोटर देखने को मिलती है, 72 Nm का पीक टॉर्क देखने को मिलता है। देखा जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है और यंगस्टर्स को ध्यान में रख के बनाया गया। इसके साथ ही सिंपल वन की कनेक्ट ऐप के अंदर आप इसका जो राइडिंग स्टैटिस्टिक्स और रियल टाइम डेटा रहता है वो देख सकते हैं, और इसका जो डिजाइन रहता है इसके पिछले वाले वर्जन जैसा लगता है, लेकिन एक शार्प एजेस के साथ आता है। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर अगर हमें इसे कंपेयर करूं TVS की iQube से उससे फार फार बेटर है। इसके साथ ही बजाज से बेटर करें तो बजाज कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस फैमिली फ्रेंडली स्कूटर है, ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर है और परफॉर्मेंस और रेंज के मामले में बजाज को बीट
कॉम्पीट कर सकता है। इसके साथ ही बात करें तो एथर और ओला से कंपेयर करें तो ओला जिन लोगों को पसंद नहीं है और एथर में लगता है कि रेंज कम है और थोड़ा छोटा है, उनके लिए बीच में बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पे सिंपल वन क्रिएट हो जाता है। हालांकि स्कूटर में इतनी ज्यादा कमियां नहीं है, काफी हद तक रिफाइनमेंट हो चुका है और चलाने में वाकई में काफी मजा आता है। लेकिन एक बात यह कि दो तीन जगह खासतौर पर सीट की क्वालिटी लॉन्ग राइडिंग के लिए नहीं है, थोड़ा से शार्प एजेस के साथ आता है और छोटी छोटी चीजें हैं जो यहाँ पे अगर मैं नेटपिक करना चाहूँ, लेकिन ओवरऑल एक रिलायबल प्रोडक्ट तो यहाँ पर बनाया। इसके साथ ही कुछ चीजें मेरे को ऐसा लगा कि थोड़े से बग्स वगैरह जिनको थोड़ा सा रिजॉल्व किया जा सकता था, जैसे कि कई बार केसेस में रहता है कि मोटर कई बार ऑन नहीं होती, यहाँ पे किल स्विच दिया गया और मोटर को ऑन करने के लिए, तो मोटर हर बार ऑन नहीं होती, उसे यहाँ पर ऑन करना पड़ता है, चाबी से स्कूटर को बंद करो फिर स्टार्ट करो, उसके बाद चीजें यहाँ पे चल जाती है। इसके साथ ही जो फीचर्स होते हैं इस स्कूटर में थोड़े से कम है एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिशन, वहाँ पे फीचर्स थोड़े से आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन सिंपल वन का कहना है कि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने फीचर सेट को और ज्यादा इंप्रूव भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो सिंपल वन का प्लान है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ये लोग पैन इंडिया एक्सपेंड करेंगे और अपने प्रोडक्ट को पैन इंडिया ले जाएंगे ताकि इंडिया में हर लोग इसे यूज कर सके। अभी मोस्टली साउथ इंडिया तक ये थोड़ा लिमिटेड था, लेकिन अब नॉर्थ में भी अपनी प्रेजेंस बनाने वाले तो एक अच्छी चीज है। इसके साथ ही सिंपल एनर्जी जो है ना वो एक अभी स्टार्टअप की तरीके से बिहेव कर रहा है, तो लॉन्ग रन में देखना कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे रहते हैं, और सिंपल का ये भी कहना है कि आने वाले समय में अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। हालांकि बाइक उनमें से नहीं, लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं और नेक्स्ट जनरेशन स्कूटर्स भी आ सकते हैं, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगी जहाँ पे सिंपल बहुत ही एक सॉलिड वर्क यहाँ पे कर सकता है। इसके साथ ही ओवरऑल बात करें ना तो यहाँ पे मेरे को कुछ चीज अच्छी लगी, स्कूटर जो है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगा, बूट स्पीड सही है, रिमूवेबल बैटरी का कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन अगर हम घर पे चार्ज करने का वाला फीचर अगर जल्दी इनेबल कर दें तो बहुत सही होगी। एक चीज मेरे को लगती है कि स्कूटर की जो प्राइसिंग है थोड़ी सी ज्यादा 1,66,000 थोड़ा सा महंगा लगता है, क्योंकि यहाँ पे 1,66,000 सिर्फ एक शोरूम प्राइस है, इसके बाद RTO और इंश्योरेंस वगैरह होते ही कीमतें और ज्यादा हो जाएंगी, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में मेरे को स्कूटर लगता है। जो लोग एंथुजियास्ट है उनके लिए बनाया गया, जिन लोगों को ईवी पसंद है, एक हाई रेंज वाले ईवी चाहते हैं, वो लोगों को लिए बनाया गया, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ। और सीधी सीधी बात है कि मार्केट के अंदर ओला इलेक्ट्रिक के काफी सॉलिड कॉम्पिटिटर ने खड़ा किया है और जो लोगों को ओला पसंद नहीं है वो लोग इसके ऊपर अपनी नजर यहाँ पर डाल सकते हैं, तो वो एक अच्छा काम है। और जितना टाइम एथर को अपना ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने में लगाना, शायद सिंपल भी शायद उसी रास्ते पर है जो अपनी एक यूनिक ब्रांड प्रेजेंस ब्रांड वैल्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकती है। इसके साथ ही ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा सही लगी, हालांकि पूरा फाइबर बॉडी का ट्यूबुलर फ्रेम के साथ आता है, लेकिन वो सही है। स्मार्ट फीचर में कुछ चीजें और बेटर की जा सकती थी, नेविगेशन थोड़ा सा और इंप्रूव किया जा सकता था, ये जियो की बिल्ट इन ईसिम के साथ आता, व्हाट्सएप के अलर्ट वगैरह मेरे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही देख के लगा जो पीछे जो है ना वो बेल्ट से चलता है और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बेल्ट में हल्की सी सीटी जैसी आवाज आती है, तो वो एक थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। और देखा जाए तो टोटल जो फोकस है वो परफॉर्मेंस और रेंज पर है, जिन लोगों को रेंज चाहिए तो रेंज यहाँ पे निकाली जा सकती है। 190 किलोमीटर की रेंज अगर निकाल लियो तो 40 तक की स्पीड पे अगर चलाइए स्कूटर को, 190 या 200 किलोमीटर भी यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, क्योंकि बैटरी का साइज यहाँ पे बढ़ा कर रखा उन्होंने। तो दोस्तों यार ये कुछ चीजें थी यहाँ पे सिंपल वन के बारे में। ओवरऑल बात की जाए तो प्रोडक्ट काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे को सही लगा, मार्केट में ऐसा लगा कि ऐसे सॉलिड प्रोडक्ट की सच में यहाँ पे जरूरत है। और देख के अच्छा लगता है कि सिंपल वन जैसी कंपनी ने हार नहीं मानी और वो लगे रहे, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया और जनरेशन 1.5 भी यहाँ पे बना दी, और अब देख के अच्छा लगता है कि वो एक्सपेंड भी कर रहे हैं और 400 स्टोर का टारगेट रख रहे हैं, तो वो और अच्छी चीज है। उम्मीद करते हैं कि 1.5 के साथ 400 स्टोर तक जाए, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन निकाले, फैमिली फ्रेंडली स्कूटर निकाले और भी अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोडक्ट निकाले, क्योंकि इनका टारगेट और फ्यूचर प्रोजेक्शन जो है वो काफी अच्छा है यहाँ पे। इसके साथ ही फीडबैक जो रहेगा मेरा वो ये रहेगा कंपनी के लिए कि ये अपने प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा सर्विस के ऊपर जरूर से ध्यान दें, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हर जितने भी सर्विस जितने भी डीलरशिप जितने भी स्टोर्स खोलेंगे वहां पे फास्ट चार्जिंग के सॉल्यूशंस ये लोग प्रोवाइड करें। इसके साथ ही रिमूवेबल बैटरी को चार्ज करने का भी सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी लेकर, इसके साथ एक और स्मार्ट चीज करें कि यहाँ पे एक्सेसरीज वगैरह पर भी काम करें, प्लस यहाँ पे लोग फैमिली फ्रेंडली स्कूटर बनाए। इसके साथ ही यहाँ पे इनके सॉफ्टवेयर में टच स्क्रीन है वो अच्छे से काम करता है, लेकिन यहाँ पर मैप में इंडिया अच्छे तरीके से चलता नहीं है, गूगल मैप्स वगैरह चीज अच्छे से लाए, कॉम्पिटिशन के अंदर ढेर सारे फीचर आ रहे, रीजनरेटिव ब्रेकिंग उनका काफी बेटर निकल रहा है, तो उसको यहाँ पे काफी तेज से इम्प्रूव किया जा सकता है, एल्स प्रोडक्ट यहाँ पे काफी सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोस्तों यार ये थी कहानी पीछे सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर की, देखते हैं नॉर्थ इंडिया में कब तेजी से एक्सपेंड होता है और बाकी जगह इसके स्टोर्स यहाँ पे कब ओपन होते हैं। बाय द वे आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों की प्रेफरेंस क्या होगी, ओला का स्कूटर, सिंपल का स्कूटर, एथर का या कोई और। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर, गुड बाय।